कि किस दिन मेरी कंपनी 100 डायमंडों की होगी, तो मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स कहूंगा, धन्यवाद कहूंगा कि आपने मेरा सपना पूरा किया। क्योंकि जब एक कंपनी 100 डायमंड से फुलफिल हो जाती है, 100 डायमंड इस कंपनी में अचीव, 100 डायमंड अचीवर हो जाते हैं, तो कंपनी मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस कुछ आले दर्जे का होता है। अब वो वर्ल्ड की नंबर वन जो निकली थी उसे बात, तो वो इसलिए निकली थी, मुझे भी नहीं पता था कि 100 डायमंड सेलिब्रेशन होने वाला है। अब जिसके पास 100 करोड़पति हो तो 1,000-10,000 करोड़पति बनाने में अब ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो रियली यू ऑल पीपल्स आर ग्रेट पीपल्स, रियली ऑनेस्ट, बहुत अच्छे इंसान है। मैं सही कहता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ कि जो मुझे मिला है, मुझे नहीं लगता है जिंदगी में किसी को इतना अच्छी लाइफ, इतना अच्छा परिवार, इतने अच्छे लोग, इतनी अच्छी कंपनी और इतने अच्छे फाइटर्स, इतने अच्छे अचीवर्स। इस कंपनी में आज यहाँ तक पहुंचाने में जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त मिस्टर मामचंद जी, जिन्होंने बहुत मेहनत करके हमारा बैंक ऑफिस हमें संभाला है, अमित जी जिन्होंने हमारी सारी प्रोडक्शन संभाला है, अनिल जी जिन्होंने ट्रेनिंग सिस्टम संभाला है, और उसके बाद आप सबके ग्रेट मेंटर्स मिस्टर महिपाल जी, रामवीर जी, शिव कुमार जी, कुणाल जी, दलीप जी, अनुज, अमित दुबे, आप सब लोगों ने मुझे हिम्मत दी। रियली एक इंसान कुछ नहीं कर सकता, इंसान जिंदगी में सिर्फ सोच सकता है, कर नहीं सकता, वो करता जब है जब उसे लोगों का साथ मिल जाता है। और मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ कि मुझे एसडीपीएस में जितने अच्छे लोग हैं मुझे लगता है दुनिया की किसी कंपनी में इतने अच्छे लोग नहीं हो सकते। और स्पेशल थैंक्स टू कंपनी के हर इवेंट को सक्सेस करने के लिए, हर इवेंट को रॉयल बनाने के लिए हमारी रॉयल इंडिया वैकेशन कंपनी के अविनाश झा जी को, थैंक यू मिस्टर झा, आपने रियली इस कंपनी का बहुत साथ दिया है, बहुत सहयोग किया है, हर इवेंट आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, और रियली आपकी ब्रांडिंग में जान है, मुझे लगता है कि ना आईफा अवार्ड भी शायद आपको मिल जाए और मेरी कहीं भी लग जाती है। तो अब आप सब डायमंड है, आप सब जिम्मेदार बन गए हैं, मैच्योर हो गए, घर के बुजुर्ग बन गए, माने उम्र से बुजुर्ग नहीं, बिजनेस में बुजुर्ग बन गए, बिजनेस में आप एक्सपीरियंस होल्डर बन गए, बिजनेस में आपके पास टेस्टिमोनियल है, बिजनेस में आपके पास अब तजुर्बा हो गया है, टेस्टिमनीज हो गई है, गाड़ियां हो गई है, तो प्लीज अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हम यहाँ डायमंड बनने नहीं आए, हम डायमंड बनाने आए हैं। हमें डायमंड अपने बिजनेस में, अपने डाउनलाइन में हजारों डायमंड हम लोगों को निकालने हैं, और दुनिया की नंबर वन कंपनी बनाने के लिए दोस्तों मेरा एक टारगेट है, जब तक 1,00,000 करोड़पति हमारे पास नहीं होंगे हम दुनिया की नंबर वन कंपनी नहीं बनेंगे। और ये गारंटी देता हूँ 20 साल लगे 25 साल लगे एसएमपीएस बैलेंस 1,00,000 करोड़पति पैदा करेंगे। और समुद्र के पास बहुत सारी बातें होती है, जैसा महिपाल जी कह रहे हैं समुद्र किनारे, हम भी यही बताना है कि उस पार सब विदेशी है, वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी बनने के लिए थोड़ा समुद्र तो चाहिए ही, क्योंकि हर जहाज समुद्र पार करता है तब विदेश में जाता है, तो हम समुद्र के नजदीक तो लग गए बस अब तो जहाज में बैठे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई चीज इम्पोसिबल है, जो इंसान सोचता है वैसा हो जाता है। हमारा शरीर हमारे दिमाग के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे दिमाग से कनेक्ट है, और हम लोगों ने जो आज तक सोचा है वो हुआ है। अब वो पता नहीं कैसे हुआ है, परमपिता परमात्मा भगवान वाहेगुरु गॉड अल्लाह महादेव बाबा अपना काम करते रहते हैं, मैं सिर्फ सोचता हूँ, मैं करता कुछ भी नहीं हूँ दोस्तों, मैं सिर्फ सोचता हूँ, वो अपने आप ही हो जाता है, और मैं भी आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि कैसे हो गया। जैसे हमारे प्रोडक्ट के बड़े बड़े चमत्कारी रिजल्ट आते हैं तो मैं खूब अचंभित हूँ कि रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। कभी भंडारी कह रहे हैं सर हमारी कंपनी में 5-6 लोगों का एचआईवी रिजल्ट आ गए, मैंने कहा यार एचआईवी तो मशीन के बाद रिजल्ट कैसे आ गए, बोला सर मेरे कोई डॉक्टर है इनके कोई उन्होंने रिजल्ट लिए हैं। तो ये मिरेकल है, ये चमत्कार है। ये चमत्कार क्यों हो रहा है, क्योंकि एसडीपीएस में जितनी आत्माएं हैं वो शुद्ध आत्माएं हैं, और शुद्ध आत्मा की आवाज परमात्मा तक जरूर पहुंचती है। कचरा पचरा तो हमारे टिकता ही नहीं, आधे महीने में निकल जाता है, 6 महीने में निकल जाता है, जो 6 दिन में निकल जाता है। पहली बात तो कचरा मीटर साले आते ही नहीं, करते वो जाते ही कचरा कंपनियों में,
हमारे यहाँ तो जो भी आता है नेक नियत से आता है, ईमानदारी से आता है, परमात्मा के रूप से वैसा ही देता है। मैं सिर्फ एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ, समय कम है, डिनर का भी टाइम हो गया है। मुझे आज तक डायरेक्ट सेलिंग में बात समझ में नहीं आई कि मोटिवेशन की आवश्यकता क्यों, अपलाइन की आवश्यकता क्यों है। कि अपलाइन फोन करेगा तभी मैं काम करूंगा, अपलाइन बताएगा तभी मैं कैपिटल लगाऊंगा, अपलाइन बताएगा तभी मैं ट्रेनिंग करूंगा, अपलाइन बताएगा तभी मैं सेमिनार करूंगा। ये बात मुझे समझ में नहीं है कि अपलाइन क्यों, कौन है अपलाइन? एक अनजान व्यक्ति है आपके जीवन में आ गया, आपको इसमें ले आया, बस आपको काम सिखा दिया, बहुत है। आपको ट्रेनिंग देनी सिखा दी, आपको सेमिनार लेना सिखा दिया, आपको काउंसलिंग सिखा दी, मीटिंग सिखा दी, दैट्स ऑल, दैट्स द आई थिंक ही कंप्लीट ऑल हिज ड्यूटीज। बट हमेशा अपलाइन डायमंड बन गया तो भी अपलाइन चाहिए, ब्लू डायमंड बन गया तो भी अपलाइन चाहिए, ब्लैक डायमंड बन गया तो भी अपलाइन से मोटिवेशन चाहिए। अरे मोटिवेशन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन? मोटिवेशन से इंसान कभी बड़ा नहीं बनता, समझना। मोटिवेशन क्षणिक होता है। आप जब फिल्म देखते हो, अचानक कोई सीन आ जाता है सोशल, तो आप जोर जोर से तालियां बजाते हो, क्या वो ताली बजाते बजाते घर तक जाते हो, मात्र 1 मिनट ताली बजती है, 2 मिनट ताली बजती है, 3 मिनट, वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है। दुनिया में मोटिवेशन से आदमी बड़ा नहीं बनता, आदमी सेंस से बड़ा बनता है, आदमी एजुकेशन से बड़ा बनता है, आदमी सोच से बड़ा होता है। पहले सोचना पड़ता है मुझे ये पाना है, उसके बाद एजुकेशन शुरू होती है, वो पाया कैसे जाएगा, फिर पैशन शुरू होता है। किसने कहा मोटिवेशन? मोटिवेशन तो सिर्फ एक इतना सा है कि मुझे ये करना है, दैट इज द मोटिवेशन, ओनली फॉर 1 मिनट। मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे नेटवर्कर बनना है, मुझे IAS बनना है, मुझे IPS बनना है, बस एक सोच, एक लाइन की, 1 मिनट की, मुझे बनना है, बस इतना चाहिए मोटिवेशन। उसके बाद शुरू होता है मोटिवेशन को कंप्लीशन करने के लिए, मोटिवेशन को सक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? एजुकेशन, एजुकेशन चाहिए। IAS बनना, IPS बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, नेटवर्कर बनना, बड़ा नेटवर्कर बनना है। आई वॉन्ट एजुकेशन फ्रॉम माई अपलाइन, आई डोंट वॉन्ट एनी मोटिवेशन फ्रॉम माई अपलाइन। मुझे अपलाइन से मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है, मुझे एजुकेशन की आवश्यकता है। और जब इंसान पढ़ लिख जाता है, एजुकेटेड हो जाता है, फिर आता है पैशन, फिर अपनी एजुकेशन को अपने काम पे लगाना, पैशन, एजुकेशन, पैशन, पेशेंस, डायरेक्शन, दैट्स ऑल ऑफ लाइफ। ये चार पिलर पे पूरी जिंदगियां खड़ी है, ये वो चार पिलर है जिसपे सारे प्रोफेशन खड़े हैं, चाहे डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, नेटवर्कर बनना हो, कुछ भी बनना हो, ये 4 पिलर चाहिए। एजुकेशन, पैशन, पेशेंस, समय लगेगा, हर काम में समय लगेगा। यू कैन नॉट मेक अ ताजमहल इन अ डे, एक दिन में ताजमहल जैसी जिंदगी नहीं मिलेगी, ताजमहल नहीं बना पाओगे। एक कमरे का घर बना सकते हो, 5 साल लगेंगे, किसी को 4 साल लगेंगे, किसी को 6 साल लगेंगे, किसी को 7 साल लगेंगे, किसी को 8 साल लगेंगे, लेकिन आप बनाते रहो, बनाते रहो, एक दिन ताजमहल जैसी जिंदगी आपकी बनेगी, एक दिन खूबसूरत लाइफ आपकी बनेगी। ये चार पिलर है। व्यापार करने के लिए समझ चाहिए, सेंस ऑफ बिजनेस चाहिए, सेंस ऑफ बिजनेस, नो एनी मोटिवेशन। व्हाट इज द सपोर्ट ऑफ अप्लाइनमेंट? अपलाइन मेरा सपोर्ट नहीं करता, क्या सपोर्ट हो सकता है अपलाइन का? प्लान देना सिखा दे, ट्रेनिंग लेनी सिखा दे, दबा के प्लान दे, ट्रेनिंग ले, सेमिनार ले, बस डायरेक्शन ले, सर अब क्या करूं, कैसे करूं, ये सपोर्ट होता है। तो मुझे समझ नहीं आया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कि लोग कहते हैं सर मुझे मोटिवेशन दो, मुझे मोटिवेट करो। अरे भाई, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन है तेरी बेकारी, तेरे दिल दुख और दर्द जो पैसे ना होने की वजह से तूने अपने जीवन में झेले हैं, उससे बड़ा साला मोटिवेशन को क्या होगा? जिसका बाप बिना इलाज के मर गया और उसकी माँ भी आज बीमार है, उसके पास पैसा नहीं है, वो भी मर जाएगी, इससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा? पैसा क्यों कमाना है? इससे बड़ा लेसन हमें लाइफ में कौन देगा? जो बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा पैसे ना होने की वजह से, इससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा कि अगर ये बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे तो कामयाब हो जाएंगे? जो अपनी घर की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा पैसे ना होने की वजह से, इससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा? आई थिंक मतलब ये कैसी समझ है आम इंसान की, वो समझ ही नहीं पाता। अरे दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन सक्सेस होने के लिए, कामयाब होने के लिए हमारे घर के वो दुख और दर्द है जो दौलत ना होने की वजह से आज तक हम लोग झेलते आए हैं, इससे बड़ा मोटिवेशन दुनिया में कोई नहीं है। जब जब उन दुख और दर्द को देखोगे, अपने आप मरहम लगाने का दम, अपने आप उन दर्द को, कष्टों को खत्म करने का जज्बा, पैशन अपने आप पैदा होगा। इसी से मोटिवेशन की जरूरत नहीं, लाइफ में किसी अप्लाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसा है क्या? कौन सा साइंस है, कौन सा साइंटिफिक मेथड है जो हम लोग नहीं कर पाते? इट्स अ वेरी सिंपल बिजनेस, बहुत सिंपल सा काम है, और लोग डरते हैं। मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है, सर मैं नहीं करूंगा, मैंने छोड़ दिया। अरे भाई मुझे बताओ, होने के लिए क्या है? होने के लिए यहाँ क्या है?
क्या खोदोगे? जो भी लोग डायरेक्ट सेलिंग दुनिया में करते, मेरा सवाल उन लोगों से, क्या खोगे? अरे खोने के लिए यहाँ कुछ नहीं है दोस्त, पाने के लिए बहुत कुछ। जाएगा कुछ नहीं पर आएगा बहुत कुछ। कई लोग डरते हैं, सर ये हो गया तो वो हो गया तो, अरे भाई क्या हो गया? यही तो हो सकता है, तू डायमंड नहीं बना, फेलियर हो गया, बेकार हो गया, 2 साल खराब हो गए, 3 साल खराब हो गए, तो कौन सा 3 साल में भाई तू कलेक्टर बनना था? वो फटेल जिंदगी जैसी कल की, वो 3 साल बाद हो जाएगी, इतना ही हो सकता है ना। अरे जहां थे वहां तो हमेशा ही रहोगे ना, जहां थे वहां तो लोग हमेशा ही रहेंगे ना। अगर 3 साल कुछ कर लिया तो हो सकता है जितना सोचा नहीं था क्या पता उससे ज्यादा मिल जाए। हमारा कोई कुछ नहीं लेगा, हमारे पास पाने के लिए बहुत कुछ है। तो सबसे पहली बात है उस परम पिता परमेश्वर महादेव बाबा को, अल्लाह खुदा गॉड भाई गुरु को धन्यवाद दें कि जिसने हमें इस व्यापार में लाया, जिसने इतने बड़े अच्छे परिवार से हमें मिलाया है। कहाँ कहाँ के हम लोग हैं, कितना एक दूसरे का रिगार्ड कर रहे हैं, कितना रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कैसे प्यार से हम सजे हुए हैं 4 घंटे से, कैसे प्यार से हम बैठे हुए हैं, कैसे एक दूसरे को हम प्रेरित कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे का अप्रिशिएशन कर रहे हैं, कैसे जा रहे, कैसे एक दूसरे को क्रेडिट दे रहे हैं, थैंक यू राम जी, थैंक यू भंडारी राम कह रहा है, थैंक यू महिपाल सर, थैंक यू फलाना। अरे ये जिंदगी, मैं तो ये समझता हूँ डायरेक्ट सेलिंग का मतलब कंप्लीट लाइफ पैकेज ऑफ कंप्लीट लाइफ। एक इंसान को इस दुनिया में क्या चाहिए वो इस इंडस्ट्री में मिलता है, कोई समझे तो बढ़िया ना समझे तो बढ़िया। पर अगर कोई इंसान कहता है कि जिंदगी कैसी होनी चाहिए, मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं बोलूंगा डायरेक्ट सेलर जैसी होनी चाहिए। तो अब यहां से जाना है दोस्तों, उस दिन तो देखो निकला था वर्ल्ड की नंबर वन, लेकिन मैं उस पर काम करना शुरू कर चुका हूँ 100%। 2025-31 मार्च का साला सूरज नहीं छिपेगा अगर इनका का सबसे बड़ा टर्नओवर एसएनएस का नाम, सूरज नहीं छिपेगा, एसएनएस का टर्नओवर नंबर वन कंपनी होगी 100% दावे से कहता हूँ, माइक से कहता हूँ, दुनिया सुन ले, जितनी मेहनत इसको करनी है कर ले, अब मेहनत अपनी देखना। मुझे भी सेंचुरी का इंतजार था, डबल तो मैं फटाक से मारूंगा भाई, पहले सोने टाइम लगता है, पहले सोने टाइम नहीं लगता। और ये सब आप लोगों ने करना है, हम सबने मिलकर करना है, हम सबको यहाँ पूजा करनी है, कर्म करना है, वर्किस वर्षिप मेरे दोस्त। कोई कहता है सर सफलता का वो बताओ, गुरु मंत्र बताओ, मैंने कहा लव योर वर्क, बेस्ट सोल, आत्मा से अपने काम को प्रेम करो, जिस काम को आप करते हो उसके साथ गद्दारी मत करो, क्योंकि किसी ने कहा है आत्मा ही परमात्मा है। जब आत्मा ही परमात्मा है, जब हर व्यक्ति के अंदर आत्मा है और वहीं पर परमात्मा है, इसका मतलब हर आदमी परमात्मा है। जिसकी साफ आत्मा है उसके अंदर परमात्मा है, इसका मतलब हर आदमी परमात्मा है। इसका मतलब हर आदमी में वो अलौकिक शक्तियां हैं, इसका मतलब वो पावर्स जो भगवान इंसान में डालता है वो सारी हमारे अंदर है, तो भगवान में पावर्स है। बस चढ़ते हम अपनी आत्मा नीट एंड क्लीन करके काम करें, सच्ची नियत से करें, ईमानदारी से करें, अपने काम की पूजा करें, सुबह उठे पूजा करें, शाम को उठे पूजा करें, सुबह उठ के दिल से काम करें, शाम को फटकार के सो जाएं, बस भगवान से एक बात कहकर सोए, हे भगवान सुन, मैंने मेरा काम ईमानदारी से किया, अब फल जो तुझे देना दे देना, मैंने मेरे कर्म के साथ ईमानदारी करी। और ये संजीव कुमार 14 साल से करते हैं। जब हमारी आत्मा ही गलत हो जाएगी, हमारी सोच ही गलत हो जाएगी, हम अपने से भाना बनाएंगे, झूठ बोलेंगे, रोज भानेबाजी करेंगे, बेवकूफ बनाएंगे, डाउनलाइन को भी अपलाइन को भी, रोज अपने काम से गद्दारी करेंगे, तो काम आपके साथ गद्दारी करेगा मेरे दोस्त। इस दुनिया में पैसा कमाना, कामयाब होना, बच्चों का खेलना, छुट्टी बचा के मिलता है, बस वर्क इस वर्ष कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। साफ आत्मा, प्रेम करो अपने काम को, लव योर वर्क, आत्मा लगा दो अपने काम से, आपका आपकी कहते हैं ना वो शाहरुख खान के फिल्म का डायलॉग, मैं कई बार सुनाता हूँ कि किसी भी चीज को तुम जिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें मिलवाने में लग जाए। पूरी कायनात का मतलब क्या होता है? जितनी पावर इस ब्रह्मांड में घूम रही है जो आपको जिद्दत नहीं है, अगर आप आत्मा से चाहो मुझे ये करना है, मैं ये करके रहूंगा, तो पूरी कायनात आपके फेवर में आ जाती है और वो काम 100% होता है, 100%। आज तक 6 साल का एक्सपीरियंस है आप सबका भी, दोस्तों
सक्सेस का दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं है, लव योर वर्क, अपने कर्म से मोहब्बत करोगे दुनिया आपसे मोहब्बत करेगी। ये दुनिया सलाम करती है उन लोगों को जिनके पास दौलत है। मैं ये कहता हूँ ये जिंदगी पूरी दौलत पर निर्भर नहीं है, पर 99.9% पर निर्भर है, 0.1% तो नहीं है दोस्तों। तो फोकस 99.9 पे रखना पड़ेगा, मजबूर ये, क्योंकि 0.1 से जिंदगी चलने वाली नहीं है। तो फिर एक बार आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ गो आने के लिए, इस डायमंड सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने के लिए, और एक नई सोच आज यहाँ से लेकाने के लिए कि SLPS का कोई भी डायमंड जीवन में विदाउट कैपिंग अचीवर नहीं रहेगा। यस और नो? यस और नो? हम अपनी टीम में डायमंडों की लाइन लगा देंगे। लाइन देखिए, अब मेहनत ज्यादा करनी होती है मेरे दोस्त। आज अगर मेरी हालत पूछो, मेरी बहुत बुरी हालत रहती है, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुझे पहले टाइम मिलता था जब कंपनी एक साल की थी, दो साल की थी तो थोड़ा कम मिलने लगा। मैंने सोचा साला 6 साल की होगी तो मुझे बहुत टाइम मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सोच बढ़ी है तो आपको ज्यादा बिजी होता है। अब आपका रैंक बड़ा हो गया, अब बिजनेस ज्यादा आएगी, अब टाइम और कम हो जाएगा, जिम्मेदारी ज्यादा हो जाएगी, मेहनत ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि पहले 10 लोग संभाल लेते, अब 10,000 लोग आपको संभाल रहे हैं। मुझे पहले 10,000 संभाल लेते, 1 लाख संभाल लेते, 8 लाख लोग संभाल रहे हैं। पहले मुझे इंडिया में धंधा करना था, अब दुनिया में करना है। पहले मुझे कंपनी थोड़े से ले 100 करोड़ की बनानी थी, अब 1,000 करोड़ की बनानी है। तो इसका मतलब मेहनत बढ़ेगी। जैसे जैसे आप अचीवमेंट बढ़ाना चाहोगे, कामयाबी पाना चाहोगे, पैसा बढ़ाना चाहोगे, पैसा मेहनत बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगली बार कोई भी डायमंड मुझे विदाउट कैपिंग नहीं मिलेगा। आई एम राइट? बस चले फिर टारगेट सर, टारगेट अच्छा टारगेट हमने काफी लॉन्च किए, काफी अच्छी अचीवमेंट हमारे लोग प्राप्त करते हैं। अच्छा बिना टारगेट के नहीं निकल सकते अगले 3 महीने? नहीं सर, निकाले जा सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? चेक तो आ रहा है ना भाई? बड़े बदमाश लोग आइडिया रोक के बैठे। बोला संदीप सर बेटा तुम्हारा क्या, तुम्हारा बाप भी टारगेट लाएगा साला? ना चाहे तो आदमी को लाना पड़े, बजट ना हो तो भी लाना पड़े, आईडी नहीं भेजते। हाँ लेकिन मुझे जितने आज तक हमने 6 साल में टारगेट दिए हैं, मनाली दिया, जैसलमेर दिया, लैपटॉप दिया, बाइक दिया, शिमला दिया, हर टारगेट लोगों ने बड़ी शिद्दत से किया, बड़ी मेहनत से किया है। अब मैं ये सोच रहा हूँ जब यार डायमंडों का सेलिब्रेशन गोवा में हो रहा है तो पूरी SLPS फैमिली का भी गोवा में हो जाना चाहिए। Yes! और मुझे लगता है सबसे ज्यादा हमारे लोग गोवा आने के लिए मेहनत करते हैं। Yes, sir. गोवा किसी को बोर नहीं करता, गोवा एक लाइफ है, लाइफ सा लगता है, जिंदगी सी लगती है ना। तो नहीं तो हम लोगों को लोग मतलब ही कहेंगे ये तो डायमंड बन गए तो गोवा चले गए, कंपनी MD भी चला गया, अब कहाँ गया कंपनी MD की देखती है, प्रेशर का ध्यान ही नहीं रख रहा। तो हमें भी गोवा लेके बुला लेता, हमें भी अच्छे होटल में रख लेता, हमारे भी थोड़े गाने बजाने करा देता। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट टारगेट आज रात 12 बजे आ जाएगा। ज्यादा करके जाओ कम से कम 3,000। यस सर, यस सर, डेफिनेटली पूरा गोवा हमारा होना चाहिए। यस पूरा गोवा हमारा होना चाहिए। यस 3,000 लोग गोवा टारगेट आ चुका है आपके सामने। कोई 1400 जो पहले थे कोई नहीं पढ़ाएंगे, 1400 वही पहले वाले जब पहली बार गोवा आए हुए हैं। अरे सिंपल एंड सोबर, और विद फैमिली भी है और विद वाइफ भी है, कल फ्रेंड के साथ नहीं नहीं होना चाहिए ना। तो अब अगला सेलिब्रेशन होगा 3,000 सेलिब्रेशन, 3,000 अचीवर सेलिब्रेशन इन गोवा। 3,000 लोगों के साथ अगले 3 महीने बाद दोस्तों फिर गोवा में मिलते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। जाओ फटे चल दो, अपनी अपनी कैबिनेट ठोक दो, एक आईडी पे फिर दूसरी पे फिर तीसरी पे फिर चौथी पे फिर पांचवी पे फिर छठी पे फोन दे रहा हूँ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट एंड शेयर करें।